WHO के अनुसार आज दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियों के लोगों की मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। नई स्टडी में दावा किया गया है जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है उनमें दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। हाल ही में हुए शोध के अनुसार जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है उन्हें हार्ट अटैक होने का ज्यादा खतरा है। शोधकर्ताओं ने 400,000 से ज्यादा लोगों पर शोध किया और पाया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में ब्लड ग्रुप ए या बी वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 8% ज्यादा होता है। इस रिजल्ट को एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मेडिकल जर्नल्स थ्रोम्बोसिस और वेस्कुलर बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया। साल 2017 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा अध्ययन में पाया गया था जिसमें 13 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। स्टडी में पता चलता है कि नॉन ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को हार्ट अटैक समेत दिल की बीमारियों का खतरा 9% ज्यादा है। एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने ब्लड ग्रुप ए और बी की तुलना में ब्लड ग्रुप ओ से की। स्टडी में पता चला कि ओ ब्लड टाइप के लोगों की तुलना में बी ब्लड टाइप वाले लोगों को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक का खतरा 15% ज्यादा होता है। वहीं ब्लड ग्रुप ओ की तुलना में हार्ट फेलियर का खतरा 11% ज्यादा रहता है। दरअसल हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों ही दिल की बीमारी के रूप हैं, लेकिन हार्ट फेलियर धीरे धीरे होता है जबकि हार्ट अटैक अचानक से होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हार्ट अटैक के कुछ समय बाद हार्ट फेल होने का कारण बना रहता है। रिसर्च के अनुसार ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी वाले लोगों में थ्रोम्बोसिस यानी रक्त का थक्का बनने की संभावना 40% ज्यादा है। दरअसल रक्त के थक्के कोरोनरी धमनी के ब्लॉक कर देते हैं और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। इससे हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है।